मैं करना चाह रहा आज की इस वीडियो में आज हम बनाने जा रहे हैं खुद का घर जो बनेगा बिना किसी हाउस के या फिर किसी डॉल बेड या इस तरह की चीज़ों के नहीं बनेंगे बल्कि आज हम खुद क्रिएट करेंगे जो किसी और चीज़ों से बेड वगैरह इसी तरह की कोई हर चीज़ है। तो आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं डॉल हाउस। ये है मेरी टीम, ये है सारा सामान जो अभी बिखरा पड़ा है और इन सारी चीज़ों की मदद से आज हम बनाने जा रहे हैं एक घर। तो ये फिलहाल अभी हमने यहाँ पर टोकरी रखी और हमें ये चैलेंज दिया गया है जिसमें से हमें बहुत अच्छा घर बनाना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, पेपर, ये आपको कपड़े दिख रहे होंगे, ये कपड़े, इन कपड़ों से चादरें बिछाने के लिए बनाया गया है। ये सर्कल है, ये हम बीच में सेंटर में बिछाएंगे और ये है ताकि लोग चादर उड़ सकें। और खैर जैसे मेरे से हो सकती थी कटिंग मैंने कर ली क्योंकि मेरे लिए है वो भी है भी छोटा। तो ये है एक और चादर बनाई है मैंने ओढ़ने के लिए। सो दो चादरें हैं और ये एक है ये। तो ये टिश्यू पेपर है जिसको हम कारपेट बनाएंगे अपना। और हमें चैलेंज दिया गया है उन लोगों से जो वहाँ हैं, ये सारे लोग और जो लड़ रहे हैं, और इनका कैप्टन है मुजम्मिल जो आप देख रहे होंगे। तो मुझे अपने भाई से ज़्यादा अच्छा घर बनाना है तो उसके लिए मुझे आपकी सबकी हेल्प चाहिए होगी। तो खैर मैंने ये बॉक्स ब्लॉक्स रखा है ताकि कैबिनेट बना सकूँ यहाँ। फिर उसके बाद मैंने एक प्लेट ली बेड बनाने के लिए तो मैंने यहाँ रख दी। फिर उसके बाद फिर मैंने ये टिश्यू पेपर जो आपको दिखाए हैं अब उसको खोले जा रहे हैं। तो ये वो टिश्यू पेपर्स हैं जो मैंने आपको दिखा दी थी पहले। तो ये किस तरह बनाऊंगी एक सेकेंड। तो मैंने इसके हाफ पे फेस किए तो मैंने यहाँ बिछाए, मीन्स दो कोई भी फ्लावर नहीं लगेगा इस तरह और इजीली बन भी जाएगा हमारा घर। बेल आइटम को दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप मेरी और वीडियो देख सकें जो आएंगे नेक्स्ट पे। तो ये बिछ गया हमारा कारपेट और इस कारपेट के ऊपर एक गोल कलर का एक और कारपेट जो लगेगा बहुत खूबसूरत। तो अब हमें चाहिए तीन ब्लॉक्स अलग अलग कलर्स के। तो ये मैंने ले लिए तीन ब्लॉक्स। अब इनसे मैं क्या करूँगी आप लोगों मेरे शौक को जया हो चुके होंगे। तो मैंने ये रखा यहाँ इस तरह, फिर इसके बाद फिर मैंने ये यहाँ रखा, फिर मैंने एक यहाँ रखा, फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने ये रखा टीवी बनाने के लिए जो डॉक्टर का कार्ड है जो आप लोग कोई और सा भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन गया ये। तो अब हम लेंगे ये दो चीज़ें जो मेरे पास है अलग अलग ब्लॉक्स की चीज़ें। तो इन सबको मैं शोपीस की तरह यहाँ पे सेट करूँगी ताकि अच्छा लगे। हाँ ये कैंपिंग की तरह है लेकिन उससे थोड़ा सा डिपेंड हो रहा हुआ वो होगा। तो ये है जो एक गाड़ी का था, मैंने उसका हाफ पीस निकाल दिया तो ये एक तरह से झूला बन गया इसी तरह। तो मैंने ये यहाँ रख दिया, मीन्स आपको अगर ओल्ड ट्वाइस से बनाना है तो इस तरह का बनेगा। इस ऑल आर माय ओल्ड ट्वाइस। और हमें उन लोगों से जल्दी घर बनाना है। तो ये मेरे पास हैट है जो मैं शोपीस की तरह इस तरह यहाँ रख सकती हूँ, कार्डियो को पहनने के लिए इजी होगी। और अगर आपको ये सब कुछ चाहिए फेशियल डेकोरेशन के लिए लगानी है तो आप लगा सकते हैं। खैर मुझे तो कोई ज्वेलरी अच्छी लगी है, एक सेकेंड ये वाली पिंक एंड ब्लू, इट विल लुक द कॉन्ट्रास्ट वेरी गुड जो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं ब्लू वाली यहाँ रखूँगी और पिंक वाली यहाँ। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे रखें, आप चाहें तो कोई और सी भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं।
तो ये बन गया हमारा आधा घर, और ये चादरें जो हम रखने जा रहे हैं कैबिनेट के अंदर फोल्ड करके, ये हमने कैबिनेट के अंदर रख दिया। खैर वो लोग तो अभी तक फाइटिंग में लगे हुए हैं, जिनसे हमारा चैलेंज है, उनको क्या पता कि हम लोग अपना घर बना भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रखती हूँ सारी चीज़ें। तो फिर इसके बाद फिर मैंने ये रख दिया जो मैं साइड पे रखूँगी, और इसके साथ मेरे पास कोई चेयर वगैरह होगी। तो उसे मैं एक्चुअली ये लैंप की तरह, ये लैंप तो इसको मैंने उल्टा कर दिया, जब अंधेरा करते हैं तो ये जलता है। Let me show you how. तो पहले तो मुझे लाइट बंद करनी पड़ेगी, तो मुझे अपने भाई को कहना पड़ेगा, मतलब मिल कैन यू क्लोज द लाइट, लाइट बंद कर दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी चीज़ें नहीं दिख रही, सिर्फ ये लैम्प चल रहा है। एक सेकेंड मैं इसको बिल्कुल ही डार्क प्लेस पर रख दूँ। एक सेकेंड मैंने ये यहाँ रखा और इसको पूरा अंधेरा कर दिया। अब ये लैम्प चलेगा। एक सेकेंड अभी मैंने कहीं और रखा है। तो ये हमारा घर है जो बिल्कुल ही हाफ हाफ दिख रहा है, और ये हमारा लैंप जो जल रहा है। तो यही चीज़ है कि लैंप खुद ब खुद जल जाता है ऑटोमेटिकली, और लाइट्स ऑन। अब दे दो लाइट्स ऑन। तो अब ये जलना बंद हो गया, फिर इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ये मैंने यहाँ रख दिया शो के लिए, ये चीज़ है जो मैंने यहाँ रख दी है, लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं है तो मैं इसको नहीं लेती। फिर इसके बाद मुझे ये रखना है जो अच्छा लग रहा है इसके साथ बीच में। मेरे पास एक और प्लेट है बेड बनाने के लिए, लेकिन उसकी स्पेस नहीं है, मैं छोटा जगह बना रही हूँ। सो आई नीड ओनली वन बेड फॉर वन पर्सन और टू।